नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हों, मेंस दिला रहे हों, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। चलिए भाई, हेडिंग डालिए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। हत्याकांड मैसेक, उसके प्रोनाउंस क्या बोलते हैं, मैसेकरे बोलते शायद, मैसेकर, मैसेकरे, ठीक। अब पहले सुन लो इधर, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ तो समझ आ जाएगा कि रॉलेट एक्ट था क्या। सपोज़ मैं गाड़ी से जा रहा हूँ कहीं पे, ठीक, कोई गुंडे प्रवृत्ति का लोग है, कोई गुंडी प्रवृत्ति का आदमी है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक, अब उस टाइम चलो ठीक है, मेरे साथ 4-5 दोस्त थे तो छोड़ दिया, उस टाइम झगड़ा नहीं हुआ, बाद में बोला कि तेरे को देख लूँगा। ठीक, अब मेरे को मालूम है वो गुंडे प्रवृत्ति का इंसान है, ठीक है, कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है। अभी किया क्या, नहीं किया, कर सकता है ना, हाँ बिल्कुल कर सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार से ठीक जैसे गांधी जी आए, है ना, जैसे गांधी जी 1915 में भारत आए, एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, धीरे धीरे भारतीय लोग जो थे अब आज़ादी की मांग करने लगे। अब वो उनके अलग अलग रास्ते थे, ठीक है, कोई शांतिपूर्ण ढंग से मार्ग अपनाया था, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से आज़ादी की मांग कर रहा था, कुछ लोग क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लोग थे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर अंग्रेज़ों को डाउट था कि कभी भी यार आक्रमण कर सकते हैं, कभी भी ऐसा कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला बेंच खाली है इधर, है जगह, क्या बता रहा था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधि अपने चरम सीमा पर थी, तो अंग्रेजों को लगा कि यार ऐसा कोई नियम कानून है नहीं कि जिसमें संभावना है कि ये कुछ विद्रोह कर सकता है, कुछ ऐसा हिंसक प्रवृत्ति अपना सकता है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था। तो एक जज थे सिडनी रॉलेट नाम के, सिडनी रॉलेट नाम के जज थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सेडिशन कमेटी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, सिडनी रॉलेट। ठीक है, तो 1917 में ये कमेटी बना और 1919 आते आते एक बिल का नाम था द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये बिल एक्ट बन गया, पास हो गया। ठीक है, इसी एक्ट को हम लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से, ठीक है, द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसके तहत क्या था कि अंग्रेज किसी को भी, किसी भी भारतीय व्यक्ति को या किसी भी अन्य व्यक्तियों को सिर्फ संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार कर सकते हैं और जब तक चाहे तब तक गिरफ्तार करके रख सकते हैं। ठीक है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ये बोला जाता है। ठीक, क्यों किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए, बोला ना, सिर्फ अंदेशा लगा रहे कि यार ये कल को मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है ना, लेकिन अभी किया तो नहीं है, तो किया नहीं है तो उस बेसिस पे अपन गिरफ्तार कर नहीं सकते, अभी कोई क्राइम किया नहीं है, मैं कैसे गिरफ्तार कर लूँ, लेकिन कर सकता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए एक कानून लाया गया जिसको बोला जाता है रॉलेट एक्ट 1919। ठीक, इसी के तहत पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, सुने नाम, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों को क्या किया, अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, अंग्रेज ने इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी, सिख लोग बैसाखी मनाते हैं, है ना, तो जलियांवाला बाग एक जल्ली नामक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे अंदर एक ग्राउंड था, कुआं वगैरह भी है, एक ही रास्ता था जाने का। ठीक, तो एक ही रास्ता था एंट्री का, वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हुए, कुछ लोग त्यौहार मना रहे थे और कुछ लोग सैफुद्दीन किचलू और जो डॉक्टर सतपाल थे उसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे,
अब अंग्रेजों की सरकार का ये सख्त निर्देश था, जैसे धारा 144 लगता है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं होना, वैसे ही आदेश दिया गया था कि भाई एक साथ आप लोगों को दिखना नहीं है, इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है, कोई बड़ी गतिविधियों को क्या पता अंजाम दे दें। तो इस वजह से ये बोला गया था, निर्देश दिया गया था। लेकिन फिर भी बैसाखी दिन कुछ लोग त्यौहार मना रहे थे और कुछ लोग उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों को क्या हुआ, ईगो हर्ट हो गया, है ना। तो अंग्रेज़ गए डायर साहब, ठीक है, गोलियाँ चलाए और कई लोग, हजारों व्यक्ति उसमें मारे गए, है ना। कई लोग कुएं में अपना जान बचाने के लिए कूदे और वहाँ पे भी सबका डेथ हो गया, और एक ही साइड से एंट्री था, है ना, दूसरे साइड से कोई एग्जिट नहीं, तो बहुत लोग मारे गए। और अंग्रेज़ी अखबार में तो जो संख्या थी वो काफ़ी कम दी गई थी, बट मारे बहुत ज़्यादा गए थे, ठीक है, 1,000-1,500-2,000 लोग मारे गए, ठीक, क्लियर हुआ। तो ये रॉलेट एक्ट था, और उसके जस्ट बाद क्या हुआ, एक हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। बाद में 1940 में, ये तो घटना हुई 1919 की बात हुई, किसने गोली चलाया, डायर साहब ने उसके आदेश के हिसाब से गोली चला। एक व्यक्ति थे उधम सिंह, सरदार थे उधम सिंह, वो लंदन में जाके डायर को मार दिए, ठीक। और ये डायर कौन थे, क्या होता है, हाँ वो नहीं थे, ठीक है, वो डायर अलग हैं और ये डायर अलग हैं। वो जो गोली चलाने का आदेश दिए वो थे आर डायर, और वो जिसको मारा गया वो था ओ डायर, उधम सिंह ने जिसको मारा वो थे ओ डायर। ओ डायर को क्यों मारा, वो जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, जिसके आदेशानुसार ये सारी गतिविधियाँ हुई, ठीक है। तो ओ डायर, वो तो गोली चलाया, वो भी किसी न किसी के निर्देश का पालन किया होगा, ठीक है। तो उस समय जो गवर्नर था पंजाब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर, 1940 में उधम सिंह ने उसको जाके मार दिया, ठीक है, और कहाँ मारा, लंदन में, ठीक, ये संदेश देने के लिए। और तो उसको घटना को 20 साल हो गए, 20 साल बाद उसको मौका मिला कि ये संदेश देने के लिए कि भाई आप कहीं भी छुपे रहो, अगर ऐसा काम करोगे तो किसी कोने में भी छुपे रहो, हम आपको मार डालेंगे, ठीक है। तो ये उधम सिंह ने किसको मार दिया, ओ डायर को, ठीक, ये समझ आया, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब क्रोनोलॉजी वाइज मैं बताते चल रहा हूँ, पहले समझा दे रहा, उसके बाद जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए ना उसको लिखा दूंगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, थोड़ा बहुत बचपन में अगर पढ़े होंगे, 8, 9, 10 में शायद हिस्ट्री था, है ना, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चला, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चला, 1914 से 1918, ठीक है, किनके किनके बीच हुआ, कोई आइडिया, जर्मनी और वर्सेस, ठीक है, दो बड़ी पावर थी, एक को बोला जाता था एलाइड पावर, मित्र शक्तियाँ, दूसरी थी सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्तियाँ, ठीक है। एलाइड पावर में थे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये सब ऐसे लोग थे जो उपनिवेशवाद, मतलब पूरा हर जगह अपना चारों तरफ पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैलाए हुए थे, पूरा देश पे कब्जा किए हुए थे, उपनिवेश बनाए हुए थे। दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी एक देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। अभी ऑटोमन एम्पायर कौन, तो जैसे जैसे देखना, भारत के बाद लगा हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब है, उसी आगे क्रम में बढ़ते जाओगे तो एक देश मिलेगा, तुर्की बोला जाता है, इंग्लिश में टर्की, हिंदी में तुर्की। तो तुर्की और आसपास के क्षेत्र में एक ऑटोमन साम्राज्य था, उस्मानिया एम्पायर बोला जाता है, उस्मानिया साम्राज्य या फिर ऑटोमन एम्पायर, बहुत पावरफुल राज्य था एक समय में, ठीक है। तो एक तरफ थे सेंट्रल पावर, एक तरफ थे एलाइड पावर, दोनों में युद्ध हुआ और लास्ट में जाके जो सेंट्रल पावर थी वो हार गई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये सब हार गए। अब वो लोग असहयोग आंदोलन पढ़ाते पढ़ाते या खिलाफत आंदोलन पढ़ाते पढ़ाते ये वर्ल्ड वॉर कहाँ से आ गया, इसका कारण है ऑटोमन एम्पायर हारा, तो ऑटोमन एम्पायर का जो राजा होता था, ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य का जो राजा होता था, उसको पूरे दुनिया के इस्लाम धर्म वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले उसको अपना धार्मिक गुरु मानते थे, उसको अल्लाह का दूध बोला जाता था, मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि बोला जाता था, ठीक है। तो सोचो कितना बड़ा पद रहा होगा, कितना गौरवशाली पद रहा होगा इस्लाम धर्म को मानने वाले, मतलब जो मुसलमान थे उनको मानने वाले। अब ब्रिटेन ये जानता था कि 1914 से 18 के बीच हार तो गए, अभी तो कमज़ोर है, लेकिन उनके इतने सारे आर्थिक प्रतिबंध उन पर लगाए गए, है ना, 1914 से 18 के बाद जो युद्ध हुआ, युद्ध समाप्ति हुआ, ठीक है, जर्मनी पे, ऑस्ट्रिया पे, हंगरी पे, टर्की पे, इन लोगों को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, बहुत कमज़ोर कर दिया गया उन लोगों को। उनको ये मालूम था कि यार अभी तो इन लोग कमज़ोर हैं, आक्रमण नहीं करेंगे, अभी अभी हारे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी इन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद भी आक्रमण ना करें, ठीक है, एक बार पावरफुल बनेंगे फिर से दोबारा आक्रमण करेंगे। तो ये चीज़ ब्रिटेन को मालूम था, इसलिए क्या किए इन्होंने, इनकी शक्तियों को दबा दिया, ठीक है, तोड़ के रख दिया। उसी में था ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो जो खलीफा थे उसके, अच्छा वो जो राजा था उसको खलीफा बोला जाता था, खलीफा, ये खलीफा वर्ड ध्यान रखना, खलीफा बोला जाता था, जिसको पूरे इस्लाम धर्म के लोग क्या मानते थे, अपना धार्मिक गुरु मानते थे, ठीक है,
इतना क्लियर। उसी जब वॉर चल रहा था तो एक सैनिक था जर्मन का, छोटा सा मूछ रखने वाला, उसको एक ब्रिटिश सैनिक था वो लास्ट में छोड़ देता है, घायल रहता है, गोली नहीं चलाता। उसके एम पे था सीधा आमने सामने वो दुआ, ठीक है। किसको मालूम था वो 20 साल बाद 25 साल बाद उन लोगों के लिए काल साबित हो जाएगा। पूरा ब्रिटेन को तबाह करके रख दिया था जर्मनी, और ये किताबों में नहीं दिया जाता लेकिन कहीं ना कहीं हिटलर का भी हाथ है हमारे को, हमको आज़ादी दिलाने में, क्योंकि वो ब्रिटेन को काफ़ी कुछ काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद में हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म। ऑटोमन एम्पायर पे कई सारे आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक प्रतिबंध, ठीक है, उनके कई सारे ऐसी पॉलिसीज लाए गए जिनके माध्यम से खलीफा का जो पावर था, खलीफा मतलब कौन, ऑटोमन एम्पायर के राजा, ठीक है, तो उनको कमज़ोर किया गया। तो खलीफा पद पे अब खतरा मंडरा रहा था। अब वहाँ से जो लोग थे, खलीफा के लोग थे, अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे, और लगभग हर जगह थे, ठीक है, हर जगह, क्रिश्चियनिटी के बाद एक इस्लाम धर्म बहुत पॉपुलर है, ठीक है, अलग अलग जगह। तो इन्होंने अपना दूत भेजा अलग अलग जगह में और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को भड़काया, क्या बोला, इस्लाम धर्म खतरे में है, इस्लाम धर्म खतरे में है, ठीक है। तो ये बोल के जो भी इस्लाम धर्म मानने वाले थे, मुसलमान थे, उनको भड़काया गया और उनके मन में खलीफा के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो वहीं भारत भी आए उनके कुछ दूत, ठीक है, पूरा घूम घूम के प्रचार प्रसार किए। तो जो भारतीय मुसलमान थे उनके मन में भी खलीफा के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव रहने लग गया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन चालू किया। तो खलीफा से समझ आया खिलाफत आंदोलन क्या था, तो 1920 में खिलाफत आंदोलन चालू किया, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ तक समझ आया, किसी कोई समस्या, अभी समझा रहा हूँ फिर लास्ट में लिखा दूंगा, किसी कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किसने किया, तो दो नाम आता है, अली बंधु, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली, ठीक है। मोहम्मद अली की किताब कॉमरेड हमदर्द, ठीक है। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, दो ये भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है, अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी क्या मांग थी, ज़्यादा नहीं, ये खिलाफत समिति बनाई और यही खिलाफत समिति आगे जाकर खिलाफत आंदोलन की, ज़्यादा मांग नहीं थी, तीन मांगें थी इनकी महत्वपूर्ण। एक तो उस समय बहुत जोश जोश में ऑटोमन एम्पायर वाले लोग अल्लाह अकबर करके लड़ लिए, ठीक है, लेकिन हार गए। अब हार गए तो बाद में ये मांग रखे गए कौन, खिलाफत आंदोलन जो कर रहे थे, कि युद्ध से पहले, वर्ल्ड वॉर से पहले जितने राज्य ऑटोमन एम्पायर के पास थे उतने राज्य उनको वापस दिया जाए, उनको और टुकड़ों में ना बांटा जाए, ठीक है। दूसरा, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हो गए और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पे खलीफा का नियंत्रण हो, ठीक, ये सारी चीज़ें। तीसरा, जो आसपास के राज्य थे, अरब देश थे, सीरिया था, है ना, ये आसपास के, तुर्की के आसपास के जितने राज्य थे उसमें वो चाहते थे कि गैर मुस्लिम या गैर इस्लामिक कोई वहाँ पे राज्य शासन ना करे, ठीक है। जैसे भारत में भी ब्रिटेन कर रहा है तो वो गैर हिंदू हो गया, है ना, तो वहाँ पे भी गैर मुसलमान लोग जो शासन ना करे, क्यों, उस समय जो इस्लाम राज्य था, इस्लामिक स्टेट्स थे, थोड़े से कमज़ोर पड़ गए थे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो कॉलोनीज थी वहाँ पे आके स्थापित हो गई, तो वो शासन कर रही थी। तो उनकी ये मांग थी कि गैर इस्लामिक राज्य यहाँ पे शासन नहीं करने चाहिए, इतनी मांगी थी खिलाफत समिति ने। अब ये जो मौका आया तो महात्मा गांधी भारत में उभरते हुए नेता, ठीक है, तो अच्छे राजनेता भी थे, है ना, तो उनको ये मालूम था कि जैसे वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं लोग, है ना, जैसे अभी जस्ट आपका छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देता हूँ, भूपेश बघेल जी ओबीसी आए, ओबीसी को क्या किया, आरक्षण दिए, कितना पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में, 50% से ज़्यादा है ओबीसी का पॉपुलेशन, एक बस घोषणा कर दी कि ओबीसी को रिजर्वेशन 14 से 27% बढ़ा दिया जाएगा, क्या हुआ, अब वो लागू हो, उनको भी मालूम था, क्या भूपेश बघेल के जो भी उनके हेल्पिंग हैंड हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको नहीं मालूम होगा, वो तो आईएएस आईपीएस सब ऑफिसर हैं, उनको नहीं मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, नहीं मालूम होगा, क्या मालूम होगा, लेकिन क्या एक वोट बैंक की राजनीति खेल दिए कि नहीं, जैसी जितने ओबीसी लोग होंगे, अरे यार चलो जैसी पावर में आए कुछ तो हमारे लिए किए, ठीक है। तो वैसे ही महात्मा गांधी भी कोई एक अवसर के रूप में देखे और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि 100 सालों तक हिंदू और मुस्लिम एकता का, एक हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाला ऐसा अवसर नहीं मिलेगा अगले 100 सालों तक, ठीक। तो गांधी जी क्या किए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए, क्यों, जितने मुस्लिम वोट बैंक हैं मतलब मुस्लिम समर्थन भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो कई लोगों ने इसका विरोध किया, खास करके कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने क्या, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन जो चला रहे थे उन्होंने भी महात्मा गांधी का स्वागत किया और बोला कि ठीक है आप लीड करिए हमको, है ना, क्योंकि महात्मा गांधी से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, तो अगर महात्मा गांधी शामिल हो जाते तो ये आंदोलन को और दम मिल जाता, ठीक, इतना समझ आया। अब ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसकी मांग थी, और एक तुर्की समझौता होने वाला था, तुर्की के साथ, टर्की के साथ समझौता होने वाला था,
जिसमें कई सारी बातें थी। अब महात्मा गांधी ने यहाँ पे बोला कि आप जो भी समझौता करें, अंग्रेजी राज्य तुर्की के साथ जो भी समझौता करें, वो समझौता अगर मुसलमानों के हित में ना हो, अगर वो समझौता मुसलमानों को संतुष्ट ना कर पाए, तो मैं असहयोग आंदोलन चालू कर दूंगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन तो चले गई, और मैं एंट्री मारूंगा तो सोच लो फिर आपका क्या होगा। तो वो बोला कि मैं असहयोग आंदोलन चालू कर दूंगा, और असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग और सिविल डिसोबीडियंस, मतलब असहयोग नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा, इसमें डिफरेंस मालूम? बहुत कॉमन अंतर है, कोई बता सकता है? इधर सुनो निकेत, क्या है तुरंत? देखो, असहयोग मतलब हर प्रकार से, सभी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग ना करना। जैसे शिक्षण संस्थान, उनके द्वारा कुछ स्कूल कॉलेज, कई सारे स्कूल कॉलेज स्थापित किए होंगे जिसमें इंग्लिश की शिक्षा दी जाती होगी, या जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने की, उसका बहिष्कार करना, पढ़ाने नहीं जाना। ठीक है, न्यायालय, जो कोर्ट स्थापित थे, ठीक है, तो लोगों को प्रेरित किया गया कि आप अपने मामले अपने पंचायत में, अपने ग्राम स्तर पर, अपने शहर स्तर पर जो हेड होते हैं वहाँ तक सुलझाइए, कोर्ट तक मत ले जाइए। ठीक है, तो न्यायालय का भी बहिष्कार। अंग्रेजी राज्य के लिए आप जो सेवा दे रहे हैं, आप वकील होंगे, सेवा दे रहे होंगे, ठीक है, आप सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे सरकार कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजी जो नौकरियाँ थी उसको बहिष्कार किया गया, वो सारी चीज़ों का छोड़ा गया। ठीक है, विदेशी जो वस्तु थे उसको छोड़ा गया। तो ये सब था स्वदेशी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये करते थे। जहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया, टैक्स नहीं देना, प्रेमपूर्वक टैक्स नहीं देना, मतलब टैक्स नहीं देंगे यार। जैसे नमक, जो 1930-32 तरफ जो नमक आंदोलन चलाया था ना, नमक, तो उसमें क्या किया था? टैक्स नहीं देंगे, नमक में टैक्स बनाने में टैक्स लगता था ना, वो टैक्स नहीं देंगे बोले। तो जहाँ पे टैक्स नहीं देंगे वाली बात आ जाती, असहयोग आंदोलन प्लस टैक्स नहीं देना इज इक्वल टू सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतना समझ आता? तो बस एक माइनर से डिफरेंस है, खैर पूछेगा नहीं, लेकिन बता दिया कि पहले मेरे को ही समझ नहीं आता था असहयोग मतलब क्या, सत्याग्रह मतलब क्या, सविनय मतलब क्या। अब क्लियर, इतना समझ आया? तो असहयोग आंदोलन भी चालू हो गया, ठीक, और बड़े जोर शोर से चल रहा था, इसको पास भी हो गया। 1920 में कौन सा एक विशेष अधिवेशन हुआ था बताइए? अधिवेशन पढ़े थे, कलकत्ता का कौन सा, कौन किया था उसकी अध्यक्षता? ठीक है, तो उसमें उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है ना, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई। और 1920 में ही आगे मैं बोला एक वो विशेष अधिवेशन था, जो कुछ अगर स्पेशल पर्पस आ जाता है उसको पास करने के लिए अगर ला रहे हैं, तो एक विशेष अधिवेशन भी बीच बीच में रखे, 7-8 ऐसे विशेष अधिवेशन हुए। बट जो नॉर्मल अधिवेशन होता था ईयरली बेसिस पे, वो दिसंबर महीने में होता था। तो दिसंबर में भी 1920 में एक और अधिवेशन हुआ जिसमें उसको अनुमोदन कर दिया गया, मतलब ओवरऑल सभी के सभी लोगों ने अप्रूवल दे दिया असहयोग आंदोलन में। इतना क्लियर? ठीक है, इसके साथ साथ गांधी जो अहिंसा तो लाए ही साथ में, है ना, अहिंसा के साथ साथ गिरफ्तारी देना, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? हम विद्रोह करेंगे, आंदोलन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? गिरफ्तार करोगे, मार जान से तो मार नहीं दोगे। ठीक है, अहिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं, अहिंसक रुख अपना रहे हैं, तो जान से तो मारोगे नहीं यार, ज़्यादा से ज़्यादा का को गिरफ्तारी। तो इससे पहले आप गिरफ्तारी दो, हम ही गिरफ्तारी दे देते हैं, जेल भरो आंदोलन चलता था। ठीक है, अभी के नेता भी लोग भी अप्लाई करते हैं, तो जेल भरो। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी, विरोध करना, है ना, आंदोलन करना, ठीक है, बिना हिंसा के आंदोलन करना, ये सारी चीज़ें गांधी जी भी अपनाते थे। तो इससे जो आंदोलन चल रहा था अभी तक, उसको और समर्थन मिला, और बल मिला उसको। ठीक है, इसी को आते आते जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, 1922 की घटना है, 5 फरवरी 1922 क्या हुआ? अब जैसे देखना, पब्लिक वगैरह में सब एक साथ रहते तो बहुत जोश रहता है, अकेले रहे तो डर लेकिन पूरा। ठीक है, तो 5 फरवरी यूपी का एक जगह है गोरखपुर, सुने होगे, यूपी में एक जगह है गोरखपुर, वहाँ एक छोटा सा गाँव जिला बोल लो, चौरी चौरा नाम का एक जगह है। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, वहाँ बहुत लोग आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, रात का समय था, विरोध कर रहे थे, और उसी क्रम में उस भीड़ को भगाने के लिए जो पुलिस थे, वहाँ का पुलिस थाना थे, कुछ पुलिस वालों ने गोली चला दी, हवाई फायरिंग की, बट एक यहाँ करते करते ऐसे कर दिए तो एक को गोली लग गई, और गोली लग गई, पूरी भीड़ पागल हो गई। ठीक है, तो सबको दौड़ाए, सब पुलिस वाले डर के मारे कहाँ, पुलिस थाने के अंदर बढ़ गए, दरवाजा वगैरह लॉक कर दिए। ठीक, खोले दरवाज़ा को, खोलने का प्रयास किए, दरवाज़ा खुला नहीं, तो क्या कर दिए, आग लगा दिए, आग लगा दिए, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, ये बात मालूम चली किसको? गांधी जी को। गांधी जी तुरंत शायद 11 फरवरी या 12 फरवरी को है उसको वापस ले लिए। ठीक है, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, पूरा जो आंदोलन चल रहा था समाप्त। ठीक है, इसका कई लोगों ने गांधी जी का विरोध किया, गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया। ठीक है, बहुत लोगों ने, जैसे लाला लाजपत राय ही बोले कि आप एक छोटे से शहर के पाप के लिए पूरे भारतवासियों को आप सजा दे रहे हैं, वहाँ ये घटना कहाँ हुई? बाकी जगह तो अहिंसक रूप से चल रहा था ना, हिंसा कहाँ हुई? सिर्फ और सिर्फ चौरी चौरा वाला कांड में हुआ। ठीक है, चौरी चौरा प्लेस में हुआ हिंसक, तो
लालाजपत राय का कहना था एक छोटे से जगह में पाप हुआ, उसकी सजा आप पूरे भारतवासियों को दे रहे हो। ठीक है, जो इंडियन स्ट्रगल कौन लिखा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल में लिखा हुआ है, मेंशन किया कि ये राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। जब इतनी राजनीतिक चेतना आ गई थी सब लोगों में, ठीक है, आंदोलन करना चालू हो गए थे, लग रहा था कि एक दो साल में आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, पूरे जो अंग्रेजी लोग थे वो घुटने टेक देते, और टेकते ही क्योंकि वो आए ही व्यापार करने के लिए, फ़ायदा करने के लिए। ठीक है, बट उनका किसी भी प्रकार से अगर उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उनके उनका जो सरकारी सिस्टम है वो ठप हो जाएगा। ठीक है, कोई स्कूल में पढ़ेगा नहीं, उसका व्यापार ठप हो जाएगा, तो क्या करने के लिए यहाँ शासन करेंगे? वो तो आर्थिक लाभ के लिए शासन कर रहे हैं। तो लग रहा था कि एक दो साल में ही ये अंग्रेज़ जो घुटने टेक देंगे, हार मान जाएंगे, शायद भारत को छोड़ के चले जाएँ। बट उस समय ऐसे सिचुएशन में आपने ये आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो बहुत विरोध हुआ। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बोला कि कन्याकुमारी में एक छोटे से गांव में, छोटे से क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है, उसके आप हिमालय के गांव में आप उसकी सज़ा को नहीं दे सकते, उस कोने की सज़ा उस कोने में दे रहे हो। ठीक है, जायज़ नहीं है, इतना समझ आया। तो गांधी जी का उस समय काफ़ी विरोध भी हुआ। ठीक, इतना समझ आया, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, फिर मैं इसका क्वेश्चंस लिखा देता हूँ आपको। जितना डीप बताया उतना ही आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप नहीं बताने के दो कारण हैं। पहला, एग्ज़ाम में नहीं आता, दूसरा मेरे को नहीं आता। ठीक है, ठीक है, चलिए हेडिंग डाले थे, रोलेक टेट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रैकेट में डालेना 1919। ठीक है, लिखना 1917 में न्यायाधीश, मतलब जो जज थे, जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमिटी या सेडिशन कमिटी की स्थापना की गई 1917 में। जो न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, उसकी अध्यक्षता में सेडिशन कमिटी का गठन किया गया। ठीक है, 1919 में एक एक्ट पारित हुआ। ठीक है, हाँ, उसके आगे जस्ट लिखना, 1919 में एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था द अनार्किकल, ठीक है, एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 एक्ट पारित हुआ या किया गया, जिसका नाम था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एग्जाम में अपने को एग्जाम स्पेलिंग नहीं पूछा। रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है, जिसको आम भाषा में जाना जाता है रॉलेट एक्ट 1919 चुड़ हो गया, इसको आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है रॉलेट एक्ट। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से भी जाना जाता है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट लिखना गया क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखना क्यों लाया गया। देखो जो यहाँ भारत में जिनको क्रांतिकारी बोला जाता था वहाँ उनको आतंकवादी बोलते थे ना ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनके लिए तो आतंकवादी थे, तो आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के लिए, हाँ देखो ना क्यों लाया गया, आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के लिए। अब ये एक पॉइंट बस याद रखना, आतंकवादी या क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए। अब इस रिलेटेड एग्जाम में पूछे कि राजनीतिक चेतना को दबाने के लिए या अन्य कोई सभी शब्द दे दे तो वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब उस ये एक पैराग्राफ में सारे फैक्ट्स दिखा दिए, 1919 में किसके अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट, कौन सी कमेटी, सेडिशन कमेटी, ठीक है, ये सारी चीज़ लिखा दिया। नेक्स्ट लिखना नेक्स्ट पॉइंट लिखना उधम सिंह, उधम सिंह, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट नीचे एक लाइन में लिख लो, उधम सिंह ने ओ डायर की हत्या कर दी लंदन में, ठीक है, उधम सिंह ने लंदन में ओ डायर की हत्या कर दी। ओ डायर की हत्या कर दी, उन्नीस सौ चालीस में, किस साल बाद, बीस साल बाद, किस साल बाद, 21 साल बाद लिए। इसराइल की जासूस एजेंसी जानते हो क्या, मोसाद, सुने नाम, एक बार उनके 11 प्लेयर को मार दिया गया था, इसराइल के 11 प्लेयर, तो अभी 20 साल बोल रहे हो, 21 साल, 25 साल, 30 30 40 साल तक उन लोग ढूंढ ढूंढ के मारे, जितने आतंकवादी थे ना, बस एक संदेश देने के लिए कि भाई यहाँ इस देश में कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं करना, इस देश के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है, एक संदेश जाता है इससे। उस 30 40 साल में कितने अरबों खरबों रुपये खर्च किए होंगे सिर्फ वो 4-5 लोग जो शामिल थे उनको मारने के लिए, लेकिन पूरे देश में खौफ बढ़ गया ना उनके नाम से। हाँ जो गोली चलाए थे वो आर डायर थे, जिनको मारा वो ओ डायर थे। अच्छा इसके बाद एक कमिटी बनी, देखो कई लोगों ने विरोध किया है ना, भारतीय लोग विरोध तो करेंगे, तो बस उनको सांत्वना देने के लिए क्या किए, अंग्रेज बोले ठीक है ठीक है, इसके हम जांच कराएंगे कौन किसने ये काम किया है ना, किए भाई किसने घिनौना काम किया, देखते हैं देखते हैं बताते हैं, एक कमिटी बनाते हैं। और याद रखना एक कमिटी का नाम पूछा जाता है, तो ऐसा इतना घिनौना काम किया तो उनको हंटर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, तो हंटर कमिटी की का गठन किया गया था, ठीक है, इसकी जाँच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए, हंटर हंटर बता रहा हूँ, और क्या मारोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया, हंटर आयोग, हंटर कमीशन, हंटर आयोग। हाँ हंटर आयोग, हंटर कमीशन, जो बाद में क्या दिया, सबको क्लीन चिट दे दिया, क्लीन चिट मतलब लिखना मत, उसको बता रहा हूँ, एक शब्द बताया था याद है, वाइट लिपापोती करना, क्या था इंग्लिश वोकैबुलरी में, वाइट वॉश, तो वाइट वॉश कर दिया, लिपापोती कर दिया इनकी जो गलती थी, अंडर कमीशन आया, तब और नाराज़गी बड़ी आगे चल के। अब ये जब घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इससे संबंधित कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कुछ पोस्ट छोड़े, कुछ पद छोड़े, कुछ उपाधियाँ छोड़ी, ठीक है, उसको भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नाम सुने, ठीक है, नाइट उड की उपाधि, सर की उपाधि, तो क्या ये अंग्रेजी राज्य के समर्थन थे, है ना, इनको लगता था, मतलब कई ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जिनको लगता था कि बाकी जो भारतीय जनता अनपढ़ है उनको ये शिक्षित करेंगे, अंग्रेजी राज्य जब आया तो लगता था जो कई सारे मध्यम वर्ग के लोग थे, है ना, जो पढ़े लिखे थे उनको लगता था कि अंग्रेजी राज्य ठीक है, अंग्रेजी राज्य नहीं थे, हम लोग पढ़ते ना इतिहास में कि अंग्रेजी राज आया तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बहुत सारे अत्याचार किए, उनकी आर्थिक नीतियाँ ऐसी थी, ये कभी देखे हो कि अंग्रेजों के आने से पहले कैसा था, तभी तो मालूम चलेगा ना, अगर बेहतर था तो अंग्रेजी राज्य आया तो ठीक है गलत हुआ, लेकिन पहले बेहतर था कि नहीं था, कि पहले उससे बदतर था, उसका
चलो ये बाद में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। बाकी अभी क्या बता रहा था, हाँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि ये बहुत अच्छा शासन है, ठीक है, अंग्रेजी शासन काफ़ी सभ्य बनाएगा लोगों को, शिक्षित करेगा भारतीय लोगों को, ठीक। तो शुरू में तो समर्थन किया, बट ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग दी। लिखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हाँ नीचे नाइन पॉइंट लिख दो, इसी में मतलब क्या पॉइंट छोड़ देगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड या ऑब्लिक सर कर लेना, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, ये सब अंग्रेजी दिए थे ना। केसरे हिंद की उपाधि इनको क्या है, महात्मा गांधी जब 1914 से 18 में वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो कोई भारतीय लोग उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे थे। वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो अंग्रेज कहाँ से लड़ेगा, भारत में जानते हो कितना ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उसकी कमी नहीं है ना, कई देशों के बराबर है। यूपी एक राज्य ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन से ज़्यादा है ना, छोटे छोटे राज्य कई देश के पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन रखते हैं। तो अंग्रेजों भाई उस समय भी पॉपुलेशन था, ऐसा नहीं कि अचानक से बढ़ा, तो पहले से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थे, तो उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए थे, ठीक है। तो पैसे तो यहाँ से लूट के ले जा ही रहे थे, अब ह्यूमन रिसोर्सेज उनको मनाना पड़ेगा ना, ज़बरदस्ती किसी को थोड़ी कॉलर पकड़ के चलो भाई लड़ो मेरे लिए, ऐसा थोड़ी। तो महात्मा गांधी ने सबको प्रोत्साहित किया कि अगर इस संकट परिस्थिति में अगर हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो अंग्रेज भी हमारा ध्यान रखेंगे, ख्याल करेंगे। तो कई लोगों ने इसका विरोध किया कि आप तो अहिंसा के समर्थक हैं ना, तो फिर क्या है हिंसा के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं, उनको मारे ठीक है, उनसे हमारी क्या दुश्मनी बताइए, जो जर्मनी लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लड़ रहे हैं, हंगरी लड़ रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर लड़ रहे हैं, उनसे हमारी क्या दुश्मनी, उनके ऊपर गोली चलाएंगे तो वो हिंसा नहीं होगा, ये तो कई लोगों ने ये विरोध किया, ठीक है। तो उस समय जब भर्ती कराया तो उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, भर्ती करने वाला सार्जेंट बोला गया, ठीक है। तो उसी के बाद उनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दिए थे, तो उसको उन्होंने लौटा दिया, ठीक है। तो अंग्रेजी दिए थे कैसरे हिंद की उपाधि। एक और नाम लिखना, शंकरन नायर ने वॉइस राय की कार्यकारी परिषद को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। शंकरन नायर ने वॉइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर ने वॉइसराय की कार्यकारी परिषद, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता है, वहाँ से इस्तीफा दे दिया। कार्यकारी परिषद त्याग दिया, छोड़ दिया। अब ये क्या था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है ना, मतलब उसको नियम कानून साथ में मिलकर बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मंत्रिपरिषद क्या होता है सब पॉलिटी में देखेंगे। तो वैसे ही अंग्रेज के भी एक वॉइस राज्य गवर्नर जनरल पढ़े, सबसे पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर आए थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल आए, भारत के गवर्नर जनरल आए, फिर उस पोस्ट को छोड़ के क्या बोले, वाइस रॉय बोला गया। तो ये लोग सब नियम कानून बनाते थे ना, इनका हेल्प करने के लिए एक टीम था, काउंसिल बोला जाता था, कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें एक भारतीय सदस्य थे, नाम था शंकरन नायर। तो उन्होंने इस हत्याकांड के बाद विरोध जताते हुए त्याग दिया, ठीक है। और कई लोगों ने, हर चीज़ का नाम यहाँ नहीं ले सकते, कई लोगों ने वकालत त्याग दी, ठीक है, और बहुत सारी उपाधि थी उसको त्याग दिया, ठीक। तो ये समझ आया रॉलेट एक्ट, ठीक। नेक्स्ट लिखना खिलाफत आंदोलन, हेडिंग डालो।
ठीक है, लिखिए खिलाफत आंदोलन। ये समझ आया खिलाफत आंदोलन कैसे चला, उसका असहयोग आंदोलन लिखेंगे, है ना। तो खिलाफत आंदोलन समझने के लिए तो क्या पता पूछ जाए, पूछ लें। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत लिखना अली बंधुओं ने की, अली बंधुओं ने की, अली ब्रदर्स, अली बंधुओं ने की, अली बंद, हाँ अली ब्रदर्स, अली बंधुओं ने की, ब्रैकेट में लिख लेना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। मुख्य उद्देश्य क्या था? मांगे तो बहुत सारी थी, मैं एक मेजर जो रीज़न था इस आंदोलन का उसको लिखा दे रहा हूँ। मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की में खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करना। खलीफा को इंग्लिश में कैलिफेट बोलते हैं, CALIPHET, खलीफा, कैलिफेट। तुर्की में खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्या वो कुछ छूटा गया? ठीक है, लिखना महात्मा गांधी ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट महात्मा गांधी ने खलीफा आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने खलीफा आंदोलन का समर्थन किया। अब एक व्यापम के किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी को जो खिलाफत आंदोलन थे ना उनकी भी सभाएं होती थी, तो कहाँ पे आयोजित सभा का महात्मा गांधी को नेतृत्व करने के लिए बोला गया था? ठीक है, तो पूछता है कौन से जगह का नेतृत्व करने बोला था, कहाँ पे सभा हुई उसका नेतृत्व करने बोला, तो कैसे याद रखोगे? अभी खिलाफत आंदोलन किसके लिए चल रहा था? खलीफा के लिए। खलीफा किसका? अल्लाह का दूत, है ना। तो अल्लाह से याद रखना, इलाहाबाद, अल्लाह इलाहाबाद। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद, इलाहाबाद को इंडल करना, इलाहाबाद में आयोजित, इलाहाबाद में आयोजित खिलाफत आंदोलन की सभा का नेतृत्व, खिलाफत आंदोलन की सभा का नेतृत्व महात्मा गांधी को करने को कहा गया। कहा गया किए भी, ऐसा मौका नहीं छोड़ देते गांधी जी जहाँ लोगों का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा तो बता देता हूँ मैं। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने? ठीक है, जिन्ना साहब, तो इनका गांधी जी से पटता नहीं था, शुरू से नहीं पटा। ठीक है, तो ये बोले कि फालतू में आप इधर उंगली कर रहे हो, चलने दो ना, जैसे मुस्लिम चल रहा है। और कहाँ खलीफा यार, कहाँ तुर्की की बात कर रहे हो, इधर हम अंग्रेज के खुद गुलाम हैं, हैं यहाँ का अपना काम हो नहीं रहा, आप उतने दूर देश की बात कर रहे हो, उतना दूर का आंदोलन कर रहे हो, है ना। तो आप मुसलमानी जो धार्मिक कट्टरतापन है उसको आप बढ़ावा ना दीजिए। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है किसने बोला। लिखो, किस नेता ने गांधी जी को कहा कि आप मुस्लिम नेता के धार्मिक कट्टरपन को बढ़ावा मत दीजिए? मुस्लिम नेता के धार्मिक कट्टरपन को बढ़ावा मत दीजिए, किसने बोला? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का निर्माण करने में योगदान रहा इनका, और एक साल ही जिए उसके बाद, एक साल बाद समाप्त।
एक दो और पॉइंट लिख लेना। 1921 का मोपला आंदोलन, 1921 का मोपला मोपला आंदोलन 1921 का मोपला मोपला माँ माँ में ओ की मात्रा ओ मोपला मोपला मोखला नामक गांव सुने हो? राजनांदगांव का नहीं, ठीक है, नानी गांव है मेरा। तो ये है मोपला, 1921 का मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन असहयोग सॉरी खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी। अच्छा मोपला आंदोलन भी लिख लेना, कहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ऊपर आगे पीछे, केरल केरला। ठीक है, असहयोग आंदोलन नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई। ठीक है, असहयोग आंदोलन इसमें लिखना, वो कारण बता दिया कैसे असहयोग आंदोलन खिलाफत से रिलेटेड था, वो सब सारी पॉइंट्स नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ समझिए उसको, बस एग्ज़ाम में उतना डीप ऐसे पूछता भी नहीं है। ठीक है, लिखना कलकत्ता 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, विशेष लिखना ना, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, नॉर्मल अधिवेशन नहीं, विशेष अधिवेशन, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, रखा था, मतलब प्रस्तावित किया था सामने। और 1921 के नागपुर अधिवेशन, एक मिनट, प्रस्तावित किया, प्रपोजल, प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित किया, प्रपोज्ड ठीक है, प्रस्तावित किया, फिर उसी को क्या बताया था आगे, 1921 के नागपुर अधिवेशन में इसका अनुमोदन किया गया, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, ठीक, 1920 का कलकत्ता विशेष अधिवेशन था, ये 1920 का नॉर्मल अधिवेशन था, ठीक है, नॉर्मल अधिवेशन, 1920 का नागपुर अधिवेशन में इसको अनुमोदन मिला, इसको मतलब जो प्रस्ताव है उसको अनुमोदन मतलब अप्रूवल, इजी लिखाऊं, शब्दावली यही देता है। ठीक है, अप्रूवल मिला 1920 में, उसके बाद
ठीक है, 1920 में अप्रूवल मिला। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अब चालू कब हुआ तो 1920 में बता पाओगे, है ना? 1920 में ही चालू हुआ जब अप्रूवल मिल गया उनको तो। ठीक है, किससे रिलेटेड था? खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड था। और इसमें अच्छा, यहाँ पे गांधी जी ने डायलॉग दिया था कि एक साल में स्वराज दिला दूँ मैं। ठीक है, और स्वराज का मतलब बताया नहीं। स्वराज मतलब कई प्रकार के हो सकते थे, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत रहते हुए स्वराज, कि स्वतंत्र रूप से स्वराज, तो उसका मतलब बताया नहीं। सब लोगों ने अपना अलग अलग मतलब निकाला, तो बस वो डायलॉग दिए थे कि एक वर्ष में स्वराज, एक नारा दिए थे। ठीक है, महात्मा लिख लो, महात्मा गांधी ने नारा दिया एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में स्वराज नारा स्लोगन, एक वर्ष में स्वराज। तो ये किस ये स्टेटमेंट देके पूछता है कि ये उक्ति किससे रिलेटेड थी, किससे संबंधित थी। ठीक है, तो किससे संबंधित थी? असहयोग आंदोलन से, है महात्मा गांधी ने दिया। उसके बाद लिखिए, अच्छा ये बाल गंगाधर तिलक का नाम पहले भी आ चुका है ना, बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में पूछा था कि कौन ऐसे नेता थे जो असहयोग आंदोलन के परिणामों को नहीं देख पाए। ठीक है, तो नाम तो बहुत सारे हैं, किसको किसको याद है। तो उसमें ऑप्शन दिया था बाल गंगाधर तिलक। तो क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि 1920 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1920 में लिखना उनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, तो असहयोग आंदोलन के परिणामों को नहीं देख पाए। 1920 में बाल गंगाधर तिलक, BGT लिख लेना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई को आसान भाषा में स्मृति, मर गया लिख दे। सम्मान सूचक का शब्द का मतलब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, मृत्यु हो गई तो असहयोग आंदोलन के परिणामों को नहीं देख पाए, है ना? क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालना, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा इंसिडेंट बोलते हैं उसको। चौरी चौरा नाम है जगह का, तो उसको चौरी चौरा, और कांड को मतलब इंसिडेंट बोलते हैं, चौरी चौरा घटना, इंसिडेंट। अब इसका देखो, इसके पीछे कहानी नहीं बता रहा हूँ, मतलब कहानी बता दिया क्या हुआ था। ये पुलिस वाले लोग को मार दिए, है ना, आंदोलन निकल रहा था रात में, गोलीबारी हुई। ठीक है, उन लोगों ने उसको दौड़ाया, पुलिस वाले को, अब क्या बोलोगे, कुदाया। ठीक है, दौड़ाया और आग लगा दी, ये सब घटना हुई। सीधा बता रहा हूँ, 5 फरवरी लिख लो, 1920 की घटना, 5 फरवरी 1920 की चौरी चौरा कांड, यह घटना 5 फरवरी 1920। सॉरी, हाँ 1922। ठीक ठीक टेस्ट कर रहा था आप लोग को, अच्छे लिसनर है कि नहीं। सारे टीचर ऐसे बोलते से याद आ गया, अपन क्लास में ऐसे इधर उधर उल जुलूल का डाउट पूछते थे, तो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बाकी लोग होमवर्क करके, ये कल उसके बाद मैं बताता हूँ, तो होमवर्क मिल जाता था जो डाउट जो नहीं बता पा रहे होमवर्क, तो मैं होमवर्क दूँ तो समझ जाना। ठीक है, तो चोरी चोरा कहाँ है उसको लिख लेना, क्या बताया था? यूपी के गोरखपुर। ठीक है, हुआ इतना आगे इसी असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, तो असहयोग में क्या बताया, बहिष्कार करना। ठीक है, अंग्रेजी शासन का, उनकी जो सरकारी सेवा है उनका, न्यायालयों का बहिष्कार करना। ठीक है,
और वकालत का त्याग करना, ठीक है, उनके यहाँ तक कि जो उतने सामान थे, कपड़े थे, ठीक है, उनको भी बहिष्कार करना, मतलब नहीं पहनेंगे, जो जीन्स वगैरह आते थे, ठीक है, वो सब नहीं पहनेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? खादी का प्रयोग करेंगे, मतलब स्वदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे। तो इसी में सब कपड़ा वगैरह जला दिए थे, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सब कपड़ा वपड़ा जोश में, एक दिन कोई भाषण दिया नेता आके, जोश जोश में सब कपड़ा वपड़े जितने थे सब अंडरवियर का सब जला दिए, अगले दिन पहनने के लिए कुछ नहीं, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कमेंट किया था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। पूछता है किसने कमेंट किया कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना, लिख लो क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान, नहीं नहीं अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है लिख लो, क्या दिक्कत, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को, है ना, विदेशी वस्त्रों कपड़ों, है ना, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना, इसमें आसान वास्तव लिख लो कौन कौन से कपड़े, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना, किसने बोला एक निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है, मतलब बर्बादी है, वेस्ट है और कुछ नहीं, पैसों को वेस्ट है। नए कपड़े नहीं ले रहे हैं तो समझ आता है भाई, पहले से है उसको भी जला दे रहे हो, क्या मतलब, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा अभी अब चोरी चोरा कांड पढ़े थे ना, उसमें बस एक चीज ले लिख लेना, ठीक है। फिर 5 फरवरी 1922 को घटना हुआ चोरी चोरा, ठीक है, गांधी जी को पता चला, बहुत उदास हुए, है ना, 12 फरवरी तक आते आते हैं, 12 फरवरी को बारदोली में एक प्रस्ताव हुआ, ठीक है, बारदोली कहाँ है आइडिया, हाँ गुजरात, ठीक है, बारदोली में एक प्रस्ताव, एमपी अपने नहीं मालूम इसलिए पूछ रहा हूँ, बारदोली जहाँ पे भी हो, बारदोली में एक प्रस्ताव हुआ, तो महात्मा गांधी ने लिख लो 12 फरवरी 1922 को बैठक हुई, 12 फरवरी 1922 को बैठक हुई, बारदोली 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 में बैठक हुई, हुई के बाद कुछ नहीं बोला, बैठक हुई, बैठक हुई, अरे तो गांधी जी तो धोती पहने थे ना भाई, कैसे बैठे थे फिर इमेजिन कर लो भाई, मैं कैसे बताऊँ उसको, धोती वस्त्र, ठीक, वो तो खादी वस्त्र को नहीं जलाया भाई, विदेशी वस्त्र को जलाया, तो क्या बता रहा था, 12 फरवरी, हाँ ठीक है, तो बारदोली में एक बैठक हुआ, ठीक है, तो उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, मतलब बंद कर दिया, ठीक है, स्थगित कर दिया बोल सकते हो, पोस्टपोन, स्थगित कर दिया। अब देखो गांधी जी का पहले ही बता दिया स्टेटमेंट इतने सारे, हालांकि पूछता नहीं लेकिन बता दिया, कई लोगों ने विरोध किया, कई नेताओं ने विरोध किया, और लेकिन गांधी जी बोले कि अभी देश के लोग इतने, जो देश की जनता है वो इतना परिपक्व नहीं हुई है ना, इस अहिंसा आंदोलन को चलाने के लिए इतने अभी समझदार नहीं हुई है, तो मैं इसको वापस लेता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कितना भी बहिष्कृत किया जाए, कितना भी अपमान सहना पड़े, यहाँ तक कि मैं मर भी जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बंद होना चाहिए, उसूल मतलब उसूल, ठीक है। जैसे एक अलाउद्दीन खिलजी का डायलॉग था ना, अभी कौन सा मूवी था, पद्मावती, जंग का सिर्फ ऐसी एक ही उसूल है जीत, ऐसे गांधी जी का एक ही उसूल था अहिंसा, ठीक है, तो उन्होंने वापस ले लिया और ये सारी स्टेटमेंट बोले। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन 1923, नाइनटीन ट्वेंटी थ्री, तेईस, ट्वेंटी थ्री,
किसने किया आइडिया इधर निकित और सी आर दास, चित्रंजन दास। ठीक है तो लिखो आगे, 1923 में भाई मतलब किसके द्वारा, तो सी आर दास, चित्रंजन दास, चित्रंजन दास। ठीक है, चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्रंजन दास। क्या हुआ चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू किसके पिताजी थे मालूम? ठीक है तो मोतीलाल नेहरू वही। हाँ ठीक है, और मनोहर लाल नेहरू किसके पिता थे? मोतीलाल नेहरू नहीं थे कोई ऐसे। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। ये क्या है, इन लोग कांग्रेस से परेशान हो गए थे, मतलब कांग्रेस चल रहा था तो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनी, अलग विचारधारा के लोग थे तो कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया। खैर इसको आगे बाद में लिखाऊंगा, अभी 10 मिनट आपको समय दे रहा हूँ, 8:40 हो रहा है, 10 मिनट में याद करिए पूरा पुराना, फिर 10 मिनट में पूछूंगा। ठीक है।